कर रहे हैं तो हमें उनकी फोटो दिखाओ, ठीक है। ये उनका कहना है, पापा जी हैं, हम वीडियो बना बना के ढोंग कर रहे हैं, मेरा पति जिंदा है, मेरे को शौक है एक विधवा औरत की तरह रहने का और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों का कहना है, ठीक है, क्योंकि उनकी फोटो नहीं दिखाई, उनकी गाड़ी नहीं घर में दिखाई दे रही है ना, ये उनका कहना है। तो सच में मैं वीडियो देखती हूँ ना, मुझे तुम लोगों को औरत कहने में भी शर्म आती है कि तुम एक औरत हो। ना हमें शौक लग रहा है कि राजवीर जी नहीं है, मैं पागलों की तरह आज रह रही हूँ, नहीं पर तुम्हें तो अच्छा लग रहा है ना। तुम लोग देख लेना, मैं यहाँ फोटो भी लगा दूंगी, क्योंकि कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए कि राजवीर है कि नहीं है। हमें इतना कलेजा नहीं है कि हम वो फोटो बार बार देख सकें या दिखा सकें। ठीक है, आज हमारा बुरा टाइम है तो तुम करो, है ना। तो ये फोटो तुम लोग देख लेना कि आज राजवीर जी हमारे पास नहीं है। तुम लोग के साथ पता ही हुआ नहीं है तो तुम इस चीज को फील तो दूर करना, महसूस मतलब कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं, ठीक है। तुम आज यहाँ तक का सिंदूर लगा के घूमती हो, मैं वो भी नहीं कर सकती, ठीक है। ये हूं मैं, ऐसी हूं मैं, ठीक है। तुम अच्छी खासी घूम रही हो, तुम्हें ये लग रहा है तुम अपने पति को, मैं छोड़ो, मैं किसी लिए बुरा नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ भैया। मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं फिर भी कहूंगी कि भगवान किसी के साथ ऐसा बुरा ना करे। और मैं कोई बेचारी नहीं हूँ, ना मैं कोई बेवकूफ हूँ, ना ही मेरा परिवार कोई बेचारा और बेवकूफ है, ठीक है। जो तुम पापा जी तक इंजाम लगा रही हो ना, समझ रही, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो पहली बात, तुम्हें क्या प्रूफ मिले हैं, क्या है क्या नहीं है, वो मैं तुम्हें खुलेआम बोल रही हूँ कि तुम रिपोर्ट डालो और वो ओपन दिखाओ, जो आपके पास सबूत है सारी चीजें, ठीक है, वो तुम दिखाओ। अगर तुम नहीं कर सकती, सबसे पहले तो हम ही तुम पे, हमें जो करना है वो करेंगे, हम तुम्हें क्या ही बताएं, हम बताएंगे, नोटिस आ जाएगा तुम्हारे पास भी, ठीक है। तो पहले तुम, मैं तुम्हें खुलेआम बोल रही हूँ, जो भी तुम हो, जिस जितनी भी है, ये छोटे मोटे हैं, वो बनाते हैं वीडियोस दूसरों की, जब वो हो जाता है ना, कुछ मौत हो गई, कुछ वो हो गया, तो चलो हम इनके व्यूज लेते हैं, क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, इसका तो सब कुछ उजड़ गया, अब हम वो लेते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, हम व्यूज दे रहे हैं, तुम सब दे रहे हो। मैं तुमसे मांग रही हूँ पर्सनली, मेरा राजवीर मुझे वापस दे दो, मैं तुमसे मांग रही हूँ, तुम बोलो ना क्या चाहिए क्या चाहिए, मैं तुमसे मांग रही हूँ मेरा पति मुझे वापस दे दो। ले आओगी, ले आओगी क्या? तुमने बोला ना क्या मांगना है, क्या चाहिए हम लोगों से, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मेरा पति वापस दे दो, मैं मंगलसूत्र पहनूं, मैं मांग में सिंदूर भरूं, मुझे कोई तुमसे ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि मेरे साथ ये हो गया, तो मेरा राजवीर मुझे वापस दे दो, मेरी दो बेटियों का पिता मुझे वापस दे दो। और जो तुम पापा जी और मम्मी को वो ढोंग बता रही हो ना कि ऐसा कैसा बाप होता है, ऐसे बाप पे मुझे ये आती है वो आती है, ये भी कोई बाप कहलाने लायक है, तो उस बाप के लिए दो बेटे गए, बेटा ला दे, तब ये मुंह से अपने शब्द निकाल, ठीक है। ये तू ऐसे ऐसे ये भौंकती है ना, ये सब करना बहुत आसान है, ठीक है। एक बाप, तेरे को यार शर्म नहीं आती, कैसे 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 लोग हैं, मतलब एक बाप से कहती है तुम कैसे बाप हो, तुम कैसे बाप हो, तुमने अपना ये नहीं किया, तुम्हारा बेटा चला गया, तुम कहते हो मेरा बेटा चला गया, अब ठीक है। अरे कैसी नीच औरत है, एक बार ये सोचती, उसके कहने का मतलब ये था मेरा बेटा तो चला गया, वापस तू ला सकती है, हाँ बस लाएगी लाएगी, ठीक है, तू ला सकती है, वो नहीं ला सकते, ठीक है, तू ला सकती है, मैं तू पे उतर आई हूँ ना, तो इसका मतलब समझ लो कि इतनी एक होता है क्रोध, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, अब कहते हैं नाक में, नाक से ऊपर पानी हो गया है, वो चीज हो रही है। तो इनका एक कहना है कि सपना कुछ नहीं कर पाएगी, सपना बुजदिल कायर है ना, कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो गलत कर रही है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एक मेरा टाइम है और बुरा टाइम चल रहा है, मैं उसके लिए और अपनी फैमिली के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। तुम तब तक मेरे पे उंगली उठा रहे थे, तब तक मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैंने